गुड मॉर्निंग सभी का। मैं अभी हूं भाई पुष्कर में। पुष्कर का ऐतिहासिक जो मेला लगा हुआ है अभी, और पुष्कर में एक जो कंपनी आई है भाई, ये इसी के बारे में अपन बात करेंगे। और ये हमारे सामने जो बैठे हैं सर, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल आपके? नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं विपिन शर्मा हूँ, NSI टीम से। ओके। और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। लुधियाना पंजाब से आए हो आप, तो पुष्कर फर्स्ट टाइम ही आना हुआ आपका? जी। अच्छा, आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप जो लॉन्च कर रहे हो अभी, और घोड़ों वालों के लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि एक अच्छी चीज़ आप जो प्रोवाइड करवा रहे हो, तो इसके बारे में मैं खुल के थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे कि क्या चीज़ है आपके पास में और कहाँ से ये है। हम NSI टीम से है, हम पशु चारा समाधान कंपनी है। ओके। जिसमें चार तरह के सोल्यूशन हम लेके आए हैं फार्मर्स के लिए। एक है कि मशीनीकरण समाधान है कि हम जो रज्जिका, अल्फा अल्फा या लूसन जिसको बोलते हैं, ये हमारी पुराने बुजुर्गों के टाइम से हम लोग बीजते आ रहे हैं, पर अभी तक हम हरा चारा ही इसको खिलाते थे। अब हम अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए कि इसको कैसे सुखा के बेल्स बना के या पैलेट्स बना के पशुओं के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये घोड़ों के लिए, गाय के लिए, बकरियों के लिए और अदर एनिमल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अल्फा अल्फा है, ये एक बहुत ही लाभकारी फसल है आप कह सकते हो, स्पेशली घोड़ों के लिए। बिकॉज इसमें क्या है कि जो पाचन शक्ति है वो 50-70% है इसका फसल की, अल्फा अल्फा लूसन की। और इसमें जो प्रोटीन होती है, क्रूड प्रोटीन, वो 15-20% होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है और अच्छी है फसल के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्फा अल्फा का जो हम बीजते हैं, वो जब हम सुखा के पूरा साल हम चारा दे सकते हैं। जल्दी जब हरा चारा नहीं अवेलेबल होता है, तब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, जो अल्फा अल्फा का बेनिफिट होता है कि ये जो भी अपने न्यूट्रिशन है, जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो खेत के विटामिन्स हैं, इस खेत के विटामिन्स आप इस फसल के ज़रिए अपने कैटल को खिला सकते हैं। तो ये एक बहुत है। और हमारे साथ आज बहुत ही प्रोमिनेंट हॉर्स राइडिंग और हॉर्स ब्रीडर्स बैठे हुए हैं और उनके प्रेमी भी हैं। तो रवि भैया, आप रवि जी, आपका भी मोस्ट वेलकम है। आप दिल्ली से हो और दिल्ली में आप सिटी में घोड़े रखते हो, आपके लिए तो ये एक मेरे ख्याल से सुनहरा अवसर है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, और एनी डाउट अगर आपको इसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप क्लियर इनसे कर सकते हो? नहीं, मैं तो आज विपिन जी के साथ तकरीबन 2 घंटे से बैठा हूँ और मैंने सब चीज़ें समझी हैं कि ये कैसे लाभदायक है, क्या है। जो मैंने समझा है, मैं घोड़े वालों की भाषा में घोड़े वालों को समझा देता हूँ। राइट। एक तो जैसे हम लोग घोड़े रखते हैं और हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और फिर हम हरा कहाँ से लें? या तो हम हरा बाहर से ख़रीदते हैं, हमें उसकी क्वालिटी का नहीं पता, उसकी सफाई का नहीं पता, वो कितना पुराना है उसका नहीं पता, उसमें फंगस है या नहीं है उसका नहीं पता, तो उधर से जानवर के बीमार होने के बड़े चांसेस रहते हैं। तो इन्होंने जो एक 2 तरीके अपनाए हैं, इसके अंदर हार्वेस्टिंग ये अपने खेतों में कर रहे हैं। अभी ये बात हुई है इनसे, तो अभी ये 70 एकड़ लैंड के अंदर पंजाब में इन्होंने स्टार्ट किया है। ओके। और इनकी पहली फसल जो है वो फरवरी में आ जाएगी। ओके। और मार्च में ये उसको अल्फा अल्फा को 2 तरीके से देंगे। ओके। एक तो ये बेल बना के देंगे और एक ये पैलेट्स बना के देंगे। पैलेट्स बना के देंगे, और पैलेट्स और बेल बनाने में इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो कहीं भी कम नहीं होंगे, कहीं भी ख़राब नहीं होंगे। हम घोड़े वालों को सिर्फ एक चीज़ करनी है, इनसे पैलेट्स या वो बेल्स लेने के बाद में उसको ऐसी जगह रखना है कि वो उसे सिर्फ हमें उसे पानी से ही बचाना है। ओके। पानी से बचाना है, किसी शेड के अंदर रख लो, किसी उसमें रख लो। और जब हम पैलेट्स में लेंगे, अगर किसी चीज़ को रखने के लिए हमारे को 30x30 की जगह चाहिए, तो इसको रखने के लिए हमारे को सिर्फ 10x10 की जगह चाहिए। उतना ही माल जितना हम 30x30 में रखेंगे, उतना ही माल 10x10 में आ जाएगा। आपने को प्लान तो उतारना नहीं है वहाँ पे? हाँ, मेरे तो प्लेन से ही आता है सब कुछ, आपको पता ही, ऊपर से गठरी फिकवा लूंगा मैं तो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं वही सोच रहा था, मैं प्लेन की बात कब आएगी। प्लेन की बात आएगी, फार्म पे आओ ना, प्लेन भी दिखाएंगे, प्लेन की बात भी आएगी। अच्छा। तो इसमें यह है कि एक सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लाने की, उगाने की, संभाल करने की, रखने के लिए जगह बनाने की। अब जैसे लोग मूंगफली का नीरा भी यूज़ कर रहे हैं, मूंगफली के नीरे में क्या हो रहा है कि उसको रखने के लिए पहले तो बहुत बड़ी जगह चाहिए, फिर कम से कम साल भर का स्टोर करना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसको छानो, लोगों के पास छानने की मशीन नहीं है, फिर मूंगफली के अंदर जब मूंगफली आती है उसके अंदर फंगस होने के बड़े चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर घोड़े जो कॉलिक जो घोड़ों को होता है जी, क्यों कपूर साहब, वो मूंगफली के उस नीरे की वजह से होता है। और इसके जो प्रोटीन है इसके अंदर, मान लो जैसे पूरे दिन में हमने घोड़े को 4 किलो डाला,
तो इसमें 70% यह घोड़ा डाइजेस्ट कर लेगा उसका, उसका रस 70% निकाल लेगा, तो तकरीबन 3 किलो उसकी बॉडी में यूज़ हो जाएगा। अब इसके अंदर जैसे 15 से 21% प्रोटीन है, घोड़ा वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि 12 से 18% घोड़े को प्रोटीन चाहिए दिन में, तो ये 12 से 18 के बीच में ये आ जाता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है जो डाइजेशन ठीक करता है घोड़े का, वो 25 से 30% है। फिर इसके अंदर फॉस्फोरस है, इसके अंदर कैल्शियम है, तो जो हम एडिशनल जो हम सप्लीमेंट डाल रहे हैं कंपनियों का, मैं सब कंपनियों को तो नहीं कहता, कुछ नए लोग आते हैं उधर से लेबल उठाया उधर से लेबल उठाया, माल की क्वालिटी का नहीं पता कुछ नहीं पता, एक सप्लीमेंट बना दिया और सस्ते में रेट दे दिया, तो हमें लगता है कि यार वो लूट रहा था ये ठीक दे रहा है, तो क्या है कि वो सप्लीमेंट से भी पीछा छूट जाएगा। तो मैं तो और नेचुरल ऑर्गेनिक है जैसे कपूर साहब बता ही रहे, तो इसमें क्या है, तो मैं तो खुद यूज़ करूँगा, अभी तो बातचीत हुई है विपिन भाई से, खुद यूज़ करने के बाद मार्च में मेरे को ये पहले अपने वो भेजेंगे, यूज़ करने के 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आएगा मैं घोड़ा वर्ल्ड में उसको पूरी सच्चाई के साथ बताऊँगा कि भैया ये इन्होंने बोला था और ये इसका रिजल्ट है। राइट बात है। उससे क्या है कि ना, क्योंकि हम लोग घोड़ा इंडस्ट्री में तो हम सब लोग आपस में तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ही है, और वो भी बता देता है यार घोड़े को ये तकलीफ है तो तू ये दे दे, घोड़े को मैं ये डाल रहा हूँ तो ये डाल दे, सर्दियों में ये डाल दे, गर्मियों में ये डाल दे, तो उस हिसाब से। बाकी विपिन जी से 2-3 घंटे से मैं समझाया, मुझे तो चीज़ें समझ में आई हैं, बाकी कोशिश कर रहे हैं कि छोटी मोटी वीडियो से ये बात सब लोगों के पास जाए, और फरवरी में जब ये शुरू होगा तो फिर हम आपको बुलाएंगे वहाँ पंजाब, जरूर अगर ये आपके यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आता है इनका, हाँ जरूर आपके इस कंपनी को जो प्रमोट करूँगा, हाँ और फिर आपसे एक बड़ी वीडियो बनवाएंगे पंजाब में, पूरी हार्वेस्टिंग कैसे हुई, कैसे पैलेट बने, कैसे वो सारा हुआ, वो पूरा लाइव दिखाएंगे आप। बिल्कुल, एक बार लाइव जरूर दिखाना चाहिए। हाँ जी, तो मैं सुबह जब बात आया था यहाँ पे मैंने यही बात की थी। हाँ जी, तो एक बार जो आपका प्लांट है वो पूरा विजिट करें जी, तब घोड़े वालों को जो समझ में आएगी कुछ चीज़, तो भाई ऑर्गेनिक है क्या, है क्या नहीं है। ठीक बात। चलिए रवि जी, आपने बहुत अच्छा जो समझाया और आपने समझा इस चीज़ को, और बेसिकली मैं आपको बता दूं, बाकी जहाँ पे कपूर साहब भी बताएंगे, बिल्कुल कपूर साहब से भी 2 दिन से समझ रहे हैं, कपूर साहब की भी जो राय है हम जानेंगे। सबसे पहले कपूर साहब आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, आप कहाँ से? मैं रवि कपूर दिल्ली से हूँ। मैं घोड़े रखता हूँ। नटराज जी मेरा घोड़ा है जो कि यहाँ चैंपियन हुआ था पुष्कर में ही। तो एक्चुअली विपिन जी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो मैं घोड़े रखता हूँ, तो हमारी घोड़ों के लिए बात हुई इनसे कि घोड़ों के लिए आप कोई ऐसी चीज़ लाओ जो कि हम घोड़ों को फीड कर सकें। तो इन्होंने ये, क्योंकि बहुत सालों से एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं पंजाब में, इन्होंने डेयरी फार्मिंग को बहुत साइलेज वगैरह के प्लांट्स वगैरह लगवा के दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पर इनको बहुत नॉलेज है, बायो उसमें भी ये काम कर रहे हैं। तो इनसे जब बात हुई तो मैंने कहा चलो आप एक बार हमारे साथ पुष्कर चलो, तो वहाँ हम घोड़े वालों को मिलते हैं, सारे घोड़े वालों की राय भी लेंगे, तो समझेंगे कि क्या है और उनको समझाएंगे कि हम क्या ला रहे हैं। तो हम लोग पुष्कर आए, तो 3-4 दिन से हम लोग यहाँ पे सब घोड़े वालों को मिले, सबको बताया। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हम हरा चारा रखते हैं उसमें एक भाप सी उठती है जब हम रिचका काटते हैं, तो भाप जो उठती है वो थोड़े दिनों में अगर उसको पड़ा रह जाए तो वो उसमें उल्ली में कन्वर्ट हो जाती है, और उल्ली जो है वो घोड़ों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कॉलिक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है, उल्ली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फंगस भी बोलते हैं उसको, उल्ली भी बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में उल्ली बोलते हैं। तो इनका जो सिस्टम है, इनका जो मैकेनिक सिस्टम है, मैकेनिज़म है, उसमें ये उसको फाड़ के उसको ड्राई करके उसके बेल्स बना के ये हम लोगों को देंगे। तो वो क्या है कि हम अगर उन बेल्स को भी डायरेक्टली डालें तो हम अपने पास काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, और उससे आगे की चीज़ ये है कि उन बेल्स का ये आगे क्रश करके उसका पैलेट्स भी बना के देंगे, और वो पैलेट्स हम लोग 18 महीने तक अपने फार्म पे रख सकते हैं मतलब जिसमें उल्ली नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगी। और अल्फा अल्फा जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड एक घोड़ों के लिए एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि रवि जी ने आपको बताया कि इसमें क्या प्रोटीन्स हैं, क्या इसमें मिनरल्स हैं, तो सबसे अच्छा चारा अगर माना गया वर्ल्ड के अंदर तो ये अल्फा अल्फा माना गया है। पर क्या है कि हमारे यहाँ पे लोगों को, घोड़े वालों को रेगुलर नहीं मिलता था, जिनके पास ज़मीन है उनको रेगुलर नहीं मिलता था, और उनके जिनके पास ज़मीन नहीं है मेरे जैसे बंदे के पास जो कि दिल्ली में है, और उसको तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम कहाँ बीजें इसको। तो ये एक सोल्यूशन लेके आए हैं, तो हमें इसके लिए बहुत अच्छा लगा है। बाकी फरवरी मार्च में इनका प्रोड्यूस भी आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी 60 एकड़ या 70 एकड़ में इन्होंने लगाया है, तो उसको कटिंग वगैरह करके उसको पहले बेल्स की शेप में ये देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये उसको पैलेट्स की शेप में देंगे, और उसके अलावा ये और भी 2-4 चीज़ें लाने वाले हैं जिसके बारे में टाइम टू टाइम
हम लोग हॉर्स वर्ल्ड को बताते रहेंगे। नितिन जी, ये आपका प्रोडक्ट है जो आप कब लॉन्च करने वाले हो, कितना टाइम इसमें लग जाएगा, और इसकी अगर प्राइस के बारे में अगर आप अभी बता पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर आने के बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी, हम आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे, और हम हमारी ट्राई है कि दुनिया की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है वो हम यहाँ पे लगाएं, और अपने अपनी जो किसान भाई हैं और हमारे, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो हॉर्स है, चाहे वो गोट है, ये फार्मिंग आगे बढ़े और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले उनको, तो यही एक मंशा के साथ हम सब लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है नितिन जी आपका, एक अच्छी चीज़ है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो पशुपालकों को, और इसमें कपूर साहब ने और रवि जी ने जो सहयोग दिया है आपका, और बात को समझा और समझाया भी। उम्मीद करते हैं कपूर साहब की और रवि जी की बात और आपकी बात जो लोगों तक समझे जाए और वो इस चीज़ को यूज करें, और अगले साल हम एक और बहुत जो दुनिया की सबसे उम्दा घास है उसको टिमोथी ग्रास बोलते हैं, वो भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बहुत टॉप मोस्ट ब्रीडर्स हैं, रेसिंग हॉर्सेज हैं, और जो है उसके लिए हम टिमोथी ग्रास भी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया की एक नंबर ग्रास है जो कि घोड़ों के लिए, उनकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपके कोई कॉन्टैक्ट नंबर ये सामने जो है? जी, या हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सर। एक बस इतना कीजिएगा, विपिन शर्मा नाम है, वो नितिन मत लिखिएगा। अच्छा, आपका विपिन शर्मा ना, वो आप थोड़ा एडिट कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं।